जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके Redmi 5A मोबाइल में हैंगिंग प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाए। ठीक है, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपके पास Redmi 5A मोबाइल है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिए, आपका हैंगिंग प्रॉब्लम पूरा का पूरा सॉल्व होने वाला है। मैं आपको सिर्फ तीन सेटिंग्स बताऊंगा, वो तीन सेटिंग्स करके आप अपने Redmi 5A मोबाइल को हैंगिंग प्रॉब्लम से बिल्कुल ही छुटकारा दिला सकते हो। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आकर के वीडियो को देख रहे हो तो संजय ट्रिक यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप का टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो सब देखने को मिलता ही रहता है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर आपके पास Redmi 5A मोबाइल है तो मैंने उसके लिए बहुत ही बढ़िया एक वीडियो बनाया है कि कैसे आप अपने बैटरी बैकअप को बढ़ा सकते हो। तो उस वीडियो पे लगभग 4 लाख व्यूज आ गया है, तो आप अगर देखना चाहते हो उस वीडियो को तो नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप उसको देख के सीख के अपने बैटरी बैकअप को भी बढ़ा सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास Redmi 5A मोबाइल है तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में जो हैंगिंग प्रॉब्लम हो रहा है उस प्रॉब्लम को पकड़ना है कि आपके फ़ोन में हैंगिंग प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले आपको करना है कि मोबाइल के सेटिंग्स में आना है, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं आपको तीन सेटिंग्स बताऊंगा। ठीक है, तो तीन सेटिंग्स को बताने से पहले भी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं, आपको मोबाइल के सेटिंग्स में आ जाना है और यहां पे स्क्रॉल करके नीचे आना है। ठीक है, तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है मैनेज ऐप्स का। ठीक है, ऐप्स वाले सेक्शन में तो इस पर क्लिक करना है, मैनेज वाले ऐप्स पर। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन में जितने भी सारे ऐप्स होंगे वो देखने को मिल जाएगा। तो ये कोई सेटिंग नहीं है, मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ, एक बोनस ट्रिक बता रहा हूँ। तो आपको अपने फ़ोन में देखना है कि कौन कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जिसको आप यूज नहीं करते हो ज्यादा, लेकिन फिर भी आपके फोन में है। तो आपको यहां से आप उसको चेक कर लेना है, देख सकते हो मेरे फोन में कितने सारे एप्लीकेशन हैं। तो आपको सबसे फर्स्ट में वो एप्लीकेशन सबको अनइंस्टॉल कर देना है जो आप बिल्कुल भी यूज नहीं करते हो। ठीक है, उसको पूरा का पूरा हटा देना है, रखना ही नहीं है। तो ये ट्रिक मैंने आपको बता दिया। अब चलिए आपको सेटिंग्स बता देता हूं जिससे कि आप अपने फोन में उसको स्पीड कर सकते हो, हैंगिंग प्रॉब्लम को छुटकारा दिला सकते हो। तो उसके लिए यहां पर आपको क्या करना है, आना होगा अपने अबाउट फोन में, मोबाइल के अबाउट फोन में यहाँ पे आओगे तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा MIUI वर्जन। ठीक है, तो इस पर आपको 1 7 6 से 7 बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, तो फिर आपको डेवलपर ऑप्शन में जाकर के उस सेटिंग्स को करना होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डेवलपर ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा। तो आपको MIUI वर्जन पे आपको 6 से 7 बार एक बार क्लिक करना है एक साथ, उसके बाद आपको एडिशनल सेटिंग्स में आ जाना है। एडिशनल सेटिंग्स में आ जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेवलपर ऑप्शंस का। ठीक है, तो इस पर आपको टैप करना है। इस पर टैप करोगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको स्क्रॉल करके पूरा का पूरा नीचे आ जाना है। पूरा का पूरा नीचे आओगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलता है, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। तो आपको सबसे पहले विंडो एनिमेशन स्केल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके फ़ोन में जो है 0.5x पे कर देना है। ठीक है, अगर आपके फ़ोन में एनिमेशन स्केल 1x पे हो तो 0.5x पे कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल जो है इसको भी 0.5x पे कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल जो है इस पर क्लिक करके 0.5x पे कर देना है। इतना करने के बाद में आपके फ़ोन में जो है स्पीड बढ़ जाएगा, आप कुछ भी एप्लीकेशन ओपन करोगे तो फटाफट ओपन होगा, आप होम स्क्रीन पर जाओगे तो फटाफट ओपन, वहाँ पे होम स्क्रीन पे चले जाओगे, कुछ भी ओपन करोगे तो फटाफट होगा, आपको महसूस नहीं होगा कि आपका फ़ोन हैंग कर रहा है। तो बस इतना ही करना है, और अपने फ़ोन में देखने की कचरा वाला एप्लीकेशन सब नहीं रहे उसको डिलीट कर देना, क्योंकि आपको जितना ही खाने का मन रहेगा उतना ही खाओगे ना, अगर आपको ज़्यादा खिलाएगा तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर लीजिए, मैं आपके सवालों का पर्सनली जवाब दे देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं ख्याल रखिए, जय हिंद, वंदे मातरम।